नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन कुमार, हमारे चैनल वास्तु ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे कि वास्तु के अनुसार घर में मुख्य द्वार या मेन गेट किस दिशा में होना चाहिए। अगर घर का मुख पूर्व दिशा की तरफ हो, उत्तर दिशा की तरफ हो, पश्चिम दिशा की तरफ हो या दक्षिण दिशा की तरफ हो। दोस्तों, किसी भी घर में मुख्य द्वार का विशेष महत्व होता है, क्योंकि मुख्य द्वार से ही घर के स्वामी की आर्थिक, सामाजिक और मानसिक स्थिति के बारे में पता चलता है। वास्तु के अनुसार दोस्तों, हर घर के चारों तरफ दिशाएं और उपदिशाएं होती हैं। इन दिशाओं के देवता और स्वामी ग्रह होते हैं। दोस्तों, जब हम किसी भी घर में मुख्य द्वार का निर्माण करते हैं, तो उस द्वार पर उस दिशा के देवता और ग्रह का गहरा प्रभाव पड़ता है। उसी ग्रह के अनुसार ही घर के स्वामी और सदस्यों का स्वभाव होता है। इसके अलावा दोस्तों, जब ब्रह्मांड में फैली ऊर्जाएं घर के मुख्य द्वार से गुजरकर घर में प्रवेश करती हैं, तो उनका सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव भी उस घर के निवासियों पर पड़ता है। दोस्तों, अगर यह ऊर्जाएं वास्तु के अनुसार बने मुख्य द्वार से होकर गुजरती हैं, तो यह घर के अंदर सकारात्मक माहौल का निर्माण करती हैं, और अगर यह वास्तु सिद्धांतों के उल्ट बने मुख्य द्वार से होकर गुजरती हैं, तो यह घर में नकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण करती हैं। इसलिए दोस्तों, किसी भी घर में मुख्य द्वार का विशेष महत्व होता है। वास्तु के अनुसार दोस्तों, अगर घर का मुख्य द्वार सही है, तो घर में सुख समृद्धि, संपन्नता और धन की बरकत हमेशा बनी रहती है। इसके साथ ही घर में रहने वाले सदस्यों का स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहता है, और उन सभी के बीच हमेशा तालमेल बना रहता है। लेकिन दोस्तों, अगर घर का मुख्य द्वार वास्तु सिद्धांतों के उल्ट है, यानी कि मुख्य द्वार गलत दिशा में लगा है, तो इससे घर के सदस्यों को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही घर में कर्ज, बीमारी और दरिद्रता भी आती है। इसलिए दोस्तों, किसी भी घर में मुख्य द्वार का निर्माण हमेशा सभी दिशाओं को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए, ताकि आपके घर में कोई दुख, मुश्किल या परेशानी प्रवेश ना कर सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वास्तु के अनुसार घर में मुख्य द्वार या मेन गेट किस दिशा में होना चाहिए। अगर घर का मुख पूर्व दिशा की तरफ हो, उत्तर दिशा की तरफ हो, पश्चिम दिशा की तरफ हो या दक्षिण दिशा की तरफ हो। दोस्तों, अगर आपके प्लाट या घर की पूर्व दिशा की तरफ मार्ग या रोड है, यानी कि आपके घर का मुख्य द्वार पूर्व दिशा की तरफ बना हो या आपने नया बनाना हो, तो आपको इस दिशा में मुख्य द्वार हमेशा घर की पूर्वी दीवार के मध्य भाग यानी पूर्व दिशा में ही लगाना चाहिए, क्योंकि वास्तु के अनुसार इस दिशा में लगा मुख्य द्वार अत्यंत शुभ माना जाता है। दोस्तों, इसका कारण यह है कि यह दिशा सूर्य देव की दिशा होती है, और सूर्य को उन्नति और ऊर्जा का कारक माना जाता है। इस दिशा में मुख्य द्वार बनाने से घर के स्वामी को जिंदगी में यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, अच्छी सेहत और संतान सुख मिलता है। यह द्वार घर की आर्थिक संपन्नता में वृद्धि करता है, और घर के सदस्यों को जीवन में सफलता प्रदान करता है। इसके साथ ही सूर्यों के गुणों के अनुरूप ही घर के स्वामी और सदस्यों का स्वभाव होता है। ऐसे घर के लोग उपकारी, सतोगुणी और साहसी होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, सूर्य भी इसी दिशा से उदय होता है, और प्रातःकाल सूर्य से प्राप्त होने वाली सूर्य की ऊर्जावान किरणें घर में निवास करने वाले सदस्यों के उत्साह को बढ़ाती हैं, और घर में नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रभाव को कम करती हैं, जिससे घर के लोगों को अच्छी सेहत, लंबी आयु और आरोग्य जीवन की प्राप्ति होती है। इसलिए दोस्तों, यदि आपका घर पूर्व मुखी है, तो आपको मुख्य द्वार हमेशा घर की पूर्वी दीवार के मध्य भाग यानी पूर्व दिशा में ही लगाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, यदि आप किसी कारण इस स्थान पर मुख्य द्वार नहीं लगा सकते, तो आप इस दिशा में पूर्वी ईशान कोण में भी मुख्य द्वार लगा सकते हैं। यह दिशा भी वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार बनाने के लिए बहुत उत्तम और शुभ मानी जाती है। दोस्तों, इसका कारण यह है कि इस दिशा के स्वामी गुरु ग्रह हैं, जो ज्ञान, अध्यात्मिक, धन और संतान सुख के कारक होते हैं। इस दिशा में मुख्य द्वार बनाने से घर के लोग बुद्धिमान, ज्ञानवान और विद्वान होते हैं। उन्हें समाज में यश और मान सम्मान मिलता है। इसके साथ ही यह द्वार धन और संतान सुख में भी वृद्धि करता है। इसलिए दोस्तों, पूर्वी ईशान कोण में बना मुख्य द्वार भी बहुत शुभ और उत्तम माना जाता है। दोस्तों, अगर आपके प्लाट या घर के उत्तर दिशा की तरफ मार्ग या रोड है, यानी कि आपके घर का मुख्य द्वार उत्तर दिशा की तरफ बना हो या आपने नया बनाना हो, तो आपको इस दिशा में
मुख्य द्वार हमेशा उत्तरी दीवार के मध्य भाग यानी उत्तर दिशा में ही बनाना चाहिए, क्योंकि वास्तु के अनुसार इस दिशा में मुख्य द्वार बनाना बहुत शुभ और धनदायक माना जाता है। यह द्वार देव कृपा और सौभाग्य देने वाला होता है। दोस्तों, इसका कारण यह है कि इस दिशा के स्वामी धन के देवता कुबेर और बुध ग्रह हैं, जिन्हें ज्ञान बुद्धि और धन का कारक माना जाता है। इस दिशा में मुख्य द्वार बनाने से घर के स्वामी और सदस्यों को कुबेर देवता की कृपा से सुख समृद्धि और धन तो मिलता ही है, इसके साथ ही बुद्ध देवता की कृपा से घर के लोगों को पूर्ण ज्ञान और शिक्षा की प्राप्ति भी होती है और वह दिन प्रतिदिन अपने काम में बहुत उन्नति भी करते हैं। इसलिए दोस्तों, यदि आपका घर उत्तरमुखी है तो आपको अपने घर का मुख्य द्वार हमेशा उत्तरी द्वार के मध्य भाग यानी उत्तर दिशा में ही लगाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, यदि आप किसी कारण मुख्य द्वार को इस स्थान पर नहीं बना सकते तो आप मुख्य द्वार को इस दिशा में उत्तरी ईशान कोण में भी बना सकते हैं। यह दिशा भी मुख्य द्वार बनाने के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। इस दिशा में बना मुख्य द्वार भी बहुत उत्तम और कल्याणकारी होता है। दोस्तों, इसका कारण यह है कि इस दिशा के स्वामी गुरु ग्रह हैं, जो ज्ञान बुद्धि धन और संतान के कारक हैं। इस दिशा में मुख्य द्वार बनाने से घर के लोग अत्यंत बुद्धिमान ज्ञानवान धार्मिक धनी हर काम में फुर्तीले और अनेक विषयों की जानकारी रखने वाले होते हैं और घर के स्वामी को औलाद का सुख भी प्राप्त होता है। इसलिए दोस्तों, उत्तरमुखी घर में आप उत्तरी ईशान कोण में भी मुख्य द्वार का निर्माण करवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके प्लाट या घर की पश्चिम दिशा की तरफ रोड या मार्ग है, यानी कि आपके घर का मुख्य द्वार पश्चिम दिशा की तरफ बना है या आपको नया बनाना हो, तो आपको इस दिशा में मुख्य द्वार हमेशा घर की पश्चिमी दीवार के मध्य भाग यानी पश्चिम दिशा में ही लगाना चाहिए, क्योंकि वास्तु के अनुसार पश्चिम दिशा में इस स्थान पर ही मुख्य द्वार लगाना शुभ माना जाता है। दोस्तों, इस दिशा के स्वामी शनिदेव हैं। इस दिशा पर शनि ग्रह का प्रभाव होने के कारण घर के स्वामी का स्वभाव भी शनि ग्रह के स्वभाव के अनुरूप ही गंभीर सहनशील विचारशील और जिम्मेवारी निभाने वाला होता है। दोस्तों, अगर इस दिशा में बने घर में कोई दोष नहीं है तो इस दिशा में बना मुख्य द्वार घर के स्वामी को उज्ज्वल भविष्य प्रसिद्धि और सफलता प्रदान करता है और घर के सभी लोगों को उनके हर काम में पूर्ण सफलता दिलाता है। इसलिए दोस्तों, यदि आपका घर पश्चिम दिशा की तरफ है तो आपको मुख्य द्वार हमेशा पश्चिमी द्वार के मध्य भाग यानी पश्चिम दिशा में ही लगाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर आप किसी कारण मुख्य द्वार को इस स्थान पर नहीं बना सकते तो आप इसे पश्चिमी वायव्य कोण में भी बना सकते हैं। यह दिशा भी वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार बनाने के लिए अच्छी मानी जाती है। इस दिशा के स्वामी वायुदेव और चंद्र ग्रह हैं। इस दिशा में मुख्य द्वार बनाने से घर के सदस्यों को अच्छी नौकरी मिलने की संभावना होती है। या घर का कोई सदस्य देश विदेश का भ्रमण भी कर सकता है। इसके अलावा इस दिशा में मुख्य द्वार बनाने से घर का स्वामी कीर्तिमान वैभवशाली और सम्मानित होता है। उसके अनेक मित्र होते हैं जो उसके लिए लाभदायक सिद्ध होते हैं। इसके साथ ही घर के स्वामी और सदस्यों का समुचित विकास होता है और उनका पारिवारिक जीवन सुखमय ही रहता है। इसलिए दोस्तों, आप पश्चिम मुखी घर में पश्चिमी वायव्य कोण में भी मुख्य द्वार का निर्माण करवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके प्लाट या घर के दक्षिण दिशा की तरफ मार्ग या रोड है, यानी कि आपके घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा की तरफ बना है या आपको नया बनाना हो, तो इस दिशा में आपको मुख्य द्वार हमेशा दक्षिणी अग्नि कोण में ही बनाना चाहिए, क्योंकि वास्तु के अनुसार इस दिशा में इसी स्थान पर मुख्य द्वार बनाना शुभ माना जाता है। इस दिशा के स्वामी दोस्तों अग्निदेव और शुक्र ग्रह हैं। शुक्र ग्रह का काम परमात्मा की सृष्टि को आगे बढ़ाना है। इस दिशा में मुख्य द्वार बनाने से घर के स्वामी को संतान और पत्नी का सुख मिलता है। इसके साथ ही घर के सदस्यों को जिंदगी में मौज मस्ती ऐश्वर्य और सांसारिक सुखों की प्राप्ति भी होती है। इसके अलावा दोस्तों इस दिशा का संबंध स्वस्थ से भी होता है। अगर इस दिशा में बने घर में कोई दोष ना हो तो घर के लोगों का स्वस्थ भी हमेशा ठीक रहता है, उनकी आयु लंबी होती है। इसलिए दोस्तों, यदि आपका घर दक्षिण मुखी है तो आपको मुख्य द्वार हमेशा दक्षिणी अग्नि कोण में ही बनाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, यदि आप किसी कारण मुख्य द्वार को इस स्थान पर नहीं बना सकते तो आप मुख्य द्वार को दक्षिण दिशा में भी बना सकते हैं।
वास्तु के अनुसार इस दिशा में भी मुख्य द्वार बनाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, इस दिशा में मुख्य द्वार को बनाते समय आप इस बात का ध्यान हमेशा रखें कि मुख्य द्वार इस दिशा में दक्षिणी द्वार के बिल्कुल मध्य भाग पर नहीं लगाना चाहिए, बल्कि मध्य भाग के कुछ स्थान को छोड़कर हमेशा दक्षिणी अग्नि कोण की तरफ ही लगाना चाहिए। दोस्तों, इस दिशा में बने मुख्य द्वार के बारे में पुराने समय से ही लोगों के मन में यह धारणा है कि घर की दक्षिण दिशा में बना मुख्य द्वार शुभ नहीं होता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा की तरफ बना होता है, उस घर के सदस्यों पर हमेशा मुसीबतों का पहाड़ टूटा रहता है। लेकिन दोस्तों, लोगों की यह धारणा बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह हमेशा तभी होता है जब दक्षिण मुखी घर को वास्तु के सिद्धांतों अनुसार ना बनाया गया हो। दोस्तों, अगर दक्षिण मुखी घर को वास्तु के सिद्धांतों का पूर्ण पालन करते हुए बनाया जाए तो यह द्वार भी सुख समृद्धि और धन में वृद्धि करता है और घर के सदस्य तरक्की करते हुए सुखी और सफल जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए दोस्तों, यदि आपका घर दक्षिण मुखी है तो आप मुख्य द्वार का निर्माण दक्षिण दिशा में भी करवा सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि ज्ञान बांटने से ज्ञान और बढ़ता है, इसलिए आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करें और आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।